नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई उनकी लोकसभा सीट मैनपुरी में उपचुनाव कराए जाने की घोषणा हो चुकी है। मुलायम परिवार का गढ़ माने जाने वाली इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया तो माना गया कि यह सीट आराम से सपा के खाते में चली जाएगी। लेकिन अब यह पारिवारिक गढ़ पारिवारिक युद्ध का मैदान भी बनने जा रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि बीजेपी यहां से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है। इस बात की अटकलें तब तेज हो गईं जब अपर्णा यादव ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लखनऊ में मुलाकात की। हम आपको याद दिला दें कि अपर्णा यादव ने इस साल के शुरू में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का दामन थामा था। अपर्णा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं, जिसके बाद इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या मुलायम परिवार की दो बहुएं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आमने सामने होंगी। जहां तक डिम्पल यादव की बात है तो आपको बता दें कि डिम्पल साल 2009 में फिरोजाबाद से राजबब्बर और 2019 में कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने और उनके उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए कन्नौज से इस्तीफा देने के बाद 2012 में वह कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई थीं और उसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज से जीत हासिल की थी। जहां तक अपर्णा यादव की बात है तो वह मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी से उनके बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। वह 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। वैसे आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस सीट के लिए यादव परिवार की अगली पीढ़ी के तेज प्रताप यादव का नाम पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में चल रहा था, लेकिन अंतिम फैसला डिम्पल यादव के नाम पर हुआ। मैनपुरी सीट से डिम्पल की उम्मीदवारी को पार्टी संरक्षक व ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने के सपा के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इसे सपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश भी माना जा रहा है। अखिलेश की करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी जोरदार बहस चल रही है। मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवपाल ने सपा के निशान पर ही जसवंत नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें पार्टी की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। शिवपाल ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था और कई मौकों पर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब भी देखे गए। संभावना थी कि बीते 3 नवम्बर को गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए चाचा भतीजे सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि मैनपुरी में शिवपाल किसका समर्थन करेंगे। फिलहाल 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी और सपा ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं क्या है दोनों पार्टियों के दावे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय स्वागत योग्य है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी और उमंग का माहौल है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास जनपद मैनपुरी से जुड़ा रहा है, उस इतिहास को बरकरार रखते हुए प्रचंड बहुमत से हम लोग विजय श्री हासिल करेंगे। बहुत अच्छा माहौल दिखेगा, बहुत लोगों में उमंग और उत्साह होगा। माननीय नेताजी के बाद जो बारिश के तौर पर माननीय हमारे जो प्रत्याशी हैं, जनता में उनके प्रति बहुत उमंग और उत्साह है और बहुत प्रचंड बहुमत से जीत गया। समाजवादी पार्टी के चचा आजम खां को रामपुर में लिया था, वही हम भतीजे के धर्मपत्नी जी को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। मैनपुरी में भी रामपुर की तरह भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरेगी और मजबूती के साथ में हम चुनाव जीतेंगे। मैनपुरी से किसको ला रही है भारतीय जनता पार्टी? अभी तो तय हो जाएगा, 1-2 दिन में पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा। कमल का फूल प्रत्याशी हुआ ये निश्चित है। कोई बाहर से भी आने की संभावना है? कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में विजयश्री हासिल करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो अपना विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।